आपने हमें गले लगे हुए देखा है ना, पर मम्मी आपने ये थोड़ी सुना कि मैंने उसे क्या कहा। सुना मैंने, तूने उससे कहा कि तू उससे प्यार नहीं करता, जैसे मुझसे झूठ बोल रहा है उससे भी झूठ बोला ना। एक माँ की नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती। मम्मी आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू अब भी झूठ बोल रहा है और अब तक झूठ ही बोलता आ रहा है। मैंने तुझसे बार बार पूछा क्या प्रीति तुझे पसंद है, क्या तू खुश है, और तेरा जवाब हाँ ही रहा है। अब भी मेरी हाँ ही है मम्मी। आ बैठ। एक माँ अपने बेटे के हाँ में भी ना सुन सकती है, बस मैंने सुनने में देर कर दी, पर ये गलती और नहीं करूंगी मैं कल ही रूपचंद जी के पास जाऊंगी और उनसे कह दूंगी कि हमें ये रिश्ता नहीं करना है। मेरे लिए तेरी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है, दुकान भी नहीं। अरे मम्मी, ओह गॉड, यही बात आपकी अच्छी नहीं है, हर बात में इमोशनल है ना, उसके बाद फिर आप क्या बोल रही हो क्या कर रही हो कुछ कुछ ध्यान में नहीं रहता है। मम्मी मैं MBA के सेमेस्टर में फेल होता था तो सबसे पहले किसे आके बताता, अपनी मम्मी को ना। तो मैं वही वैभव हूँ, इतनी बड़ी बात कैसे छुपाऊंगा आपसे। मम्मी अगर मैं उससे प्यार करता तो कलामंदियां करते हुए सबसे पहले आपको आकर बताता। क्या लव श्रेया, आई लव श्रेया, पर क्या मैंने ऐसा बोला? हाँ नहीं ना, इसका मतलब मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ मम्मी। तो वो मेरे पीछे पड़ी हुई है, ले देके तो उससे बचा हूँ मम्मी। तो सच कह रहा है? बैठो। हाँ मैं सच कह रहा हूं। और मम्मी आप ना एकदम सही कहती हैं, लड़की है क्रैक, मतलब मिलो, फोन क्यों नहीं उठाते, कॉफी पीने चलो, अरे परेशान कर रखा है। अब वो मुझसे प्यार करती है, उसमें मेरी गलती थोड़ी है, और आपका बेटा है इतना अच्छा। भाई मेरी जिंदगी है, मेरे डिसीजंस हैं, मैं लूंगा, मेरा परिवार लेगा, वो थोड़ी लेगी। इसलिए ना मैंने प्यार से आज उसे बोल दिया कि भाई भले ही दूसरी दुनिया में ट्रेन की पटरियां मिल सकती हैं, पर मैं और श्रेया नहीं मिल सकते, हमारा साथ में कोई फ्यूचर नहीं। बोल दिया मैंने उसे, तो अब खत्म करो ये बात, चलो आओ उठो। तो बस अब ये सब सोचना बंद करो, सब कुछ दिमाग से निकाल लो, ठीक है? मुझे सचमुच लगा तो उस लड़की से प्यार करता है और ये सब दुकान बचाने के लिए कर रहा है। ऐसा नहीं है मम्मी, सब बिल्कुल भी नहीं। अब आप टाइम वेस्ट करना बंद करो भाई, कल मेरा रोका है, रोके की तैयारी करो मम्मी। मम्मी मैं खुश हूं।
कैसा है भाई? ठीक। एक बात बताऊं देखो, पहले मैं और जेकब हमेशा यही सोचा करते थे कि हम दोनों इस दुनिया के सबसे निठल्ले आदमी हैं, और जब तुझसे मिले ना तो हमें लगा कि ये तो हमसे भी गया गुजरा। हम लोग हमेशा यही सोचा करते थे कि ये अलसीराम जिंदगी में क्या करेगा, लेकिन आज तूने एक ही बार में सबको बता दिया कि तू किस लायक है। मैं ये कभी नहीं कर पाता जो आज तू अपनी फैमिली के लिए कर रहा है भाई। माना कि तू जिंदगी भर सोता रहा, लेकिन आज तू जो जागा है ना भाई, आज हमें पता चला कि सच्चा प्यार सबसे पहले अपनी फैमिली से किया जाता है, बाद में किसी और से। सैल्यूट भाई। अदिति, अदिति! अरे हाँ, क्यों चिल्ला रहे हो इतना? क्या हुआ? अरे 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 बाप रे, पूरा टिप टॉप करके बना दिया घर एकदम। क्या बात है, वैभव के रोके की तो फुल तैयारी होगी। और हमारे रोके पे कुछ नहीं। ए, हम लाइट जला के देखते। हाँ। वाओ, ब्यूटीफुल। ये सब सासू माँ ने सजाया होगा, है ना? एज एक्सपेक्टेड, तुमने थोड़ी भी मदद नहीं की होगी। अच्छा, तुमने बहुत मदद की है जैसे, और वैसे भी मम्मा सब खुद कर देते हैं, और पता नहीं था इतना ब्यूटीफुल करेंगे। अब तुम जाओ, लाइट बंद करो, मैं तो बिजली का बिल आएगा। चलो। अरे हाँ। अरे पर मम्मी है कहाँ? ओ प्रीति की मम्मी, आप बाहर रख दीजिए। अरे इतना सब कुछ। पापा, पापा प्रीति की मम्मी आई है। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते, नमस्ते। वो प्रीति और वैभव का रोका है, तो हमारे यहाँ रस्म है कि रोके से पहले लड़की की ससुराल वालों को कुछ भेंट दी जाती है, तो बस वही सब लेकर आई थी। इतना सब कुछ? प्रीति के पापा रिवाजों के बड़े पक्के हैं, तो बस। आप सविता जी नजर नहीं आ रही। दो मिनट पहले हम यही सवाल कर रहे थे। जी जी, जीजा माय सेल्फ, वो रोकी की तैयारियों के लिए बाहर गई है। अदिति बेटा चाय बनाओ। जी आइए। नहीं नहीं नहीं, चाय नहीं, बस। अदिति के हाथ की चाय पीने का रिस्क लेने से अच्छा है कि माया जी के हाथ की कॉफी पीजिए। इट्स अमेजिंग। फिर कभी, मुझे भी रोकी की तैयारियां करनी है, तो शाम को मिलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। इतना कौन लाता है पापा? नहीं, ये चलो चीजें चेक करते, चलिए। आराम से, गिराना मत, आराम से लेके जाओ, ऐसे सीधा। दिव्या, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, पर ये क्या है सविता? मेरा सपना। सपना? फिल्मों में नहीं देखा कैसे पूरे परिवार की एक बड़ी सी तस्वीर दीवार पे लगी रहती है,
मेरा हमेशा से मन था। जब वैभव पैदा हुआ था ना, तब से सोच के रखा था कि एक दिन मैं भी अपने पूरे परिवार की बड़ी सी तस्वीर घर में लगाऊंगी। फिर अब तक किस बात का इंतजार कर रही थी? घर भी था, दीवार भी थी और परिवार भी, पहले ही लगा लेती। हाँ, पर तब परिवार पूरा नहीं था ना। अब वैभव की बहू आ जाएगी, तब होगी तस्वीर पूरी। अम्मा, हम, बहू बेटे, बेटी दामाद सब होंगे। मुझे चाहे कोई पूरी दुनिया घुमा ले, लेकिन मेरी पूरी दुनिया इस एक तस्वीर में समाएगी। ये सब माँ लक्ष्मी का चमत्कार है। कल तक जो काम चट्टान जैसा लग रहा था, आज पूरा होने जा रहा है। वैभव और प्रीति का रोका है आज। जय लक्ष्मी मैया, आज मेरा परिवार पूरा होगा। तुम्हें जो चाहिए था वो तो तुम्हें मिल गया, पर अब जो मिला है उससे किसका भला होगा ये तो तुम ही जानो सविता। मतलब ये तस्वीर तो पूरी हो जाएगी, पर कहीं परिवार ना अधूरा रह जाए। चलती हूँ। इयररिंग्स तो बहुत अच्छी है, कहीं आर्टिफिशियल तो नहीं देखी गई है ये? वैसे भी इसका तो तुम्हें ही ज्यादा पता होगा ना दीदी, मैंने तो आज तक कुछ आर्टिफिशियल पहना भी नहीं। सालिसा, कपड़ा कितना स्मूथ है। आपके लिए कुछ है कि नहीं? अरे जीजे, सबके लिए अलग अलग है। हाँ? देखो क्या ही है सब? शादी के साइड इफेक्ट है, वो भी अच्छे वाले। अरे मम्मी, प्रीति की मम्मी आई थी, रसम के तौर में ना सबके लिए कुछ ना कुछ देकर गई है। ये देखो, आपके नाम के झुमके, आपके नाम का सेट आया। मतलब सबके नाम का कुछ ना कुछ है। किसी के नाम के झुमके हैं, किसी के लिए बैंगल्स हैं, किसी के लिए इयररिंग्स हैं, नोज रिंग है, सबके लिए कुछ आया। सासु माँ, बहनों के तो बुफे लगा दिया इन्होंने। मतलब जितनी तरह के रोके में मिठाई नहीं खिलाएंगे ना, उतनी तरह के जेवर दे दिए। हाँ, इनके तो जलवे ही अलग है। वरना रोहित भाई की शादी में वैसे भी रोके में कुछ आया भी नहीं था। अदिति, सबका अलग रिवाज होता है और माया के घर से भी आया था। अरे इसमें इतना कुछ दिया इन लोगों ने, सगाई में तो डबल खर्चा करेंगे फिर ये, और फिर हमको भी इनके स्टैंडर्ड का करना पड़ेगा। मम्मी, कपड़ों की बारिश कर दी है इन्होंने तो। और ये देखो, वैभव के लिए जो ये शेरवानी भेजी है ना, मैंने तो आज तक ऐसी शेरवानी शोरूम में से पुतले पे लटकती हुई देखी है। 20-25 हजार से कम की नहीं होगी। अब अपने नाम की पर्ची मत लगा देना उस पे, अपने कुर्ते पे ध्यान दे। अरे जीजे। आ गई। वो दामाद जी बोल रहे थे कि रूपचंद अपने बाल डाई करता है, सोचा मैं भी करके देख लूं। लाइए, मैं कर देती हूं। तुम्हें पसंद नहीं है तो नहीं करता। नहीं नहीं, फोटो खींचेंगे, कर लीजिए। क्यों, सफेद बाल वाले आदमी के साथ फोटो खींचने में शर्म आती है? क्या हुआ, क्या सोच रही हो? वही, कितना सारा सामान भेजा उन्होंने, देखा आपने? ये तो रोका है, आगे सगाई शादी पता नहीं क्या क्या भेजेंगे। रूपचंद जी बेहिसाब खर्चा कर रहे, हमें भी कुछ सोचना पड़ेगा। मतलब सारा खर्चा लड़की वाले कर रहे और लड़के वाले कुछ ना करें, हमें थोड़ा तो उनके स्टैंडर्ड का मुकाबला करना पड़ेगा ना। तुम क्या कहना चाहती हो, हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं? वो नहीं, पर सामने वाले भी तो उम्मीद लगाते हैं ना कि हम भी थोड़ा बहुत खर्चा करेंगे। आदमियों में भले ही बातें ना होती हो, औरतें बहुत बातें बनाती हैं कि लड़के वाले देखो कुछ नहीं करते, कैसे घर में लड़की दी है, सबके मुंह बंद रहेंगे ना। तुम क्या करवाना चाहती हो सविता? और जिस हिसाब से तुम कह रही हो ना, थोड़े बहुत से तुम्हारा काम नहीं चलने वाला। मैं सोच रही थी क्यों ना आप ओमकार जी से थोड़ा उधार ले लें। उधार ओमकार जी से? जिनके घर बेटे के शादी का कार्ड देने जाऊंगा उन्हीं से उधार ले लूं? जी जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, बेटा है हमारा, उसकी इज्जत रहेगी और आगे जाके ससुराल वाले भी इज्जत करेंगे। गलती से कभी मेरी भी इज्जत कर लिया करो, जब देखो मेरी खिल्ली उड़ाने के नए नए तरीके ढूंढते रहते हो।
मैं कोई उधार उधार नहीं लेने वाला। तो फिर खर्चा कैसे निकलेगा? खर्चा निकल जाएगा, फिजूल का खर्चा नहीं निकलेगा जो तुम करना चाहती हो। सविता, दो परिवारों के बीच रिश्ता तब होता है जब दोनों की नजरों में एक दूसरे के लिए इज्जत दिखाई दे, ना कि दिखावे की चमक। मम्मी, मैं वो। अरे, आप अभी तक तैयार ही नहीं हुई हो। जो पहले तैयार हो जाओ। हाँ, मैं अभी तैयार होती हूँ। जा। आज लग रहा घर के सारे मसले खत्म हो गए। अरे चर्च टू साले साहब, हले साहब, आइए आइए आइए। अरे वाह, क्या लग रहा है, एकदम हीरो है ना? हाँ, एकदम हीरो लग रहा है। भगवान करे प्रीति की भी नजर ना लगे। अरे कभी तुम भी हमको काला टीका लगा दिया करो, कुछ चिंता विंता नहीं है। हैंडसम लग रहे हैं। ये लीजिए, आपको भी किसी की नजर ना लगे। एक पूरे ब्रह्मांड में यही है जिनको हमारी फिक्र है। थैंक यू सासू मां। अरे लगता है आ गए। अरे लाला जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। प्रीति बेटा, बड़ी प्यारी लग रही हो। चलिए। रोका शुरू करें। वो इतना हैवी लहंगा पहना है ना, तो गर्मी हो रही है इसे, अब रुका नहीं जा रहा है। अब एसी भी नहीं है ना। आप बोलिए, 80,000 का लहंगा दिलवाया और अब पहनना नहीं हो रहा। ये बच्चे भी ना। अरे अभी ठंडा पिलाता है ना, एसी वाला फील मिलेगा। चलो अदिति। हाँ। चलो लेके आते हैं, आ जाओ। प्रीति, तुम तो बड़ी उतावली हो रही हो। ए वैभव, तू भी एक्साइटमेंट दिखा ना। दिखना चाहिए ना, लड़के वालों में भी जोश है। क्या चुपचाप खड़ा है? अरे शर्मा रहा है वो। असली बात तो इसका दोस्त दीपक बताएगा, क्योंकि ये भी उतावला हो रहा है ना शादी करने के लिए। तो दीपक बताओ, ये शर्मा क्यों रहा है? अरे तू क्यों शर्मा रहा है, बोल। अरे जूस आ गया। अरे लीजिए लीजिए। थैंक यू बेटा। थैंक यू। क्या था ये सब? हम थोड़ा कंट्रोल नहीं कर सकती थी? अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। अब रोका हुआ तो शादी भी हो जाएगी, और शादी होते ही मुंबई भाग जाएंगे हम लोग। अरे आज मुझे संभाल लेना, मुझसे कंट्रोल नहीं होने वाला। मतलब मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि इसी टेबल पे खुद के डांस करने लगूंगी। कुछ नहीं। रोके की रस्म शुरू करें? जी। माया बेटा, जरा रोके का सामान ले आओ। जी मम्मी।
वाह, अब तो साले साहब कहीं भाग नहीं पाएंगे क्योंकि प्रीति जी उनको ऑफिशियली रोक ली है। रोका हो गया। शुभ लाभ, शुभ लाभ, शुभ लाभ।